इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का शहर को आग लगा देने वाला बयान। राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, गृह मंत्री बाला बच्चन ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। दिग्विजय सिंह दे रहे हैं अपना जवाब। ये बचपन से इन्हें हिंसा और नफरत का रास्ता सिखाया जाता है और उसी से राजनीति करते आए। मेरे पार्टी कमाएगा नीचे का आशीष नीचे का जी। गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा, उचित फोरम पर सलीके से रखे बात। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आईडी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपना काम कर रही है और जहाँ कहीं अगर उनको ऐसा लगता है कि गलत कार्रवाई हुई है और अवैधानिक कार्रवाई हुई है तो उसको चैलेंज करें उचित फोरम पे। जहाँ तक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पूर्व की सरकार के समय में, भाजपा के समय में इंदौर और मध्य प्रदेश माफियों का गढ़ बन जा चुका था, अपराधियों का गढ़ बन जा चुका था और ये उनकी बौखलाहट है। हमको इसका बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ना है और जो भी कानून को हाथ में लेने का काम करेंगे, कानून अपना काम करेगी और उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे।